आपको मालूम है कि मैं अंदर क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्यों आपको अंदर से कर्ण मंदिर के दर्शन नहीं करा रहा हूँ, वो इसलिए। भारत सरकार की खुदाई में ये चीज़ें निकली हैं और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें उठ के चली गई हैं जिनका। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं इस वक्त खड़ा हूँ हसनापुर के एंट्री गेट पर। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, हसनापुर कैसे आए, कहाँ रुके, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हसनापुर का एंट्री गेट है, महाभारतकालीन नगरी हसनापुर में आपका स्वागत है और नीचे मुख्यमंत्री जी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से हसनापुर की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत करते ही आपको राइट हैंड पे एक राजकीय विद्यालय मिलेगा और आप तो भली भांति जानते हैं हसनापुर किस चीज़ के लिए फेमस है, महाभारत के लिए। महाभारत के जितने भी योद्धा थे कभी यहीं रहा करते थे, पितामह भीष्म, अर्जुन, करण। इस वीडियो में आपको सारे जगह के दर्शन होने वाले हैं, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हसनापुर में स्टे करने के लिए आपको कुछ इस तरह की धर्मशालाएं रास्ते के किनारे पर ही मिल जाएंगी, जिसमें सस्ते रूम भी हैं और एसी रूम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आप बाइक या कार से आ रहे हैं तो आप मैप के द्वारा आसानी से हसनापुर में पहुंच सकते हैं। तो मैं इस वक्त हूँ पांडव टीले के ऊपर और यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कौरव और पांडव के पुराने महल थे वे भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे और इस वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ। तो कुछ ऐसा है ये पांडवों का टीला जिसमें बहुत सारे कई राज दफन हैं। ये रास्ते बीच बीच में बना रखे, देखो कितनी सफाई से बना रखे रास्ते, इधर से जाने का दोनों तरफ से पांडव टीले के ऊपर आप आ सकते हैं। ये देखिए ये भारत सरकार की खुदाई में ये चीज़ें निकली हैं और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें उठ के चली गई हैं जिनका आगे जाके निरीक्षण होएगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितने पुराने हैं। पांडव टीले के बाद मैं आपको अब लिए चलता हूँ सीधा कर्ण मंदिर की तरफ और वो अपनी लास्ट डेस्टिनेशन होगी, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये है अष्टापद हसनापुर का सबसे बड़ा टेम्पल है। इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं दिखाया मैंने, आपको मैं बता दूं कि ये ऑफ है, इसके अंदर कोई आ जा नहीं सकता, केवल फैमिली और जैन लोगों के लिए ये अलाउ है। तो चलिए अब मैं सीधा चलता हूँ कर्ण मंदिर की तरफ। हसनापुर की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दिखाई है, वो इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि ऑलरेडी मैं हसनापुर की काफ़ी सारी वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जाएँ और वो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, कुछ भी आप देख सकते हैं, सारे प्लेसेस मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर रखे हैं। जैसे ही आप हसनापुर से बाहर निकलेंगे बूढ़ी गंगा की तरफ को जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड पर छोटा सा रास्ता मिलेगा, वहीं पर बोर्ड लगा होगा सामने जो मैंने अभी दिखाया कर्ण मंदिर का, और ये आपको अंदर आपको कर्ण मंदिर मिल जाएगा यहाँ जाने के बाद। आपको मालूम है कि मैं अंदर क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्यों आपको अंदर से कर्ण मंदिर के दर्शन नहीं करा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से अपना ब्लॉग कंप्लीट हो जाता है, कमेंट में हर हर गंगे, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा लिखते रहना। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलता हूँ आपको नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।